मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के पंजीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। ऐसे में योजना का लाभ सभी हितग्राही महिलाओं को मिले, इसके लिए बैंक की धीमी चाल को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने बैंक जाकर गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश की आधी आबादी के बीच खासा उत्साह है। योजना का लाभ पाने की पहली प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसका जिम्मा नगर निगम तो बखूबी निभा रहा है, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया में बैंक की चाल थोड़ी धीमी है। बैंकों में प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नगर निगम अपर आयुक्त ने बैंक वालों से काम कराने के लिए गांधीगिरी अपनाई। लाडली बहना योजना में नगर निगम ग्वालियर के द्वारा 1,25,000 लाडली बहनों का पंजीयन किया जा चुका है और उसके बाद पंजीयन कार्य सुबह 7 से रात 9 बजे तक नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा लगातार किया भी जा रहा है। नगर निगम ग्वालियर की स्थिति प्रदेश के 16 अन्य नगर निगम के तुलना में तीसरे स्थान पर है, मगर लाडली बहना के पंजीयन KYC के लिए बैंकों के द्वारा महिलाओं को सहयोग नहीं किया जा रहा है। दरअसल किसी भी लाडली बहना को योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब उसका बैंक या पोस्ट ऑफिस में व्यक्तिगत नाम से एकल खाता हो या उक्त खाते में आधार लिंक व DBT इनबिल्ट हो। इस कारण से बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में भारी संख्या में महिलाएं अपने खाते खुलवाने या आधार लिंक करवाने या DBT इनबिल्ट कराने के लिए पहुंच रही है। नगर निगम पार्षद अनिल सांखला ने नगर निगम ग्वालियर अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता को सूचना दी कि भारतीय स्टेट बैंक महाराजवाड़ा ब्रांच में महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और सुबह 7 बजे से उन्हें खड़ा करके बहुत ही धीमी गति में कार्य किया जा रहा है। इससे बहुत सारी महिलाएं अनावश्यक रूप से परेशान हो रही हैं। सूचना मिलने पर अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता नगर निगम के स्वास्थ्य एवं सफाई अमले के साथ भारतीय स्टेट बैंक की महाराजवाड़ा ब्रांच में पहुंचे और इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक रमेश झा से चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि इतनी बड़ी ब्रांच में केवल एक महिला क्लर्क के द्वारा लाडली बहनों का DBT कार्य नहीं किया जा सकता था, उसमें आप अपना अतिरिक्त स्टाफ लगाएं। बैंक के सहायक महाप्रबंधक रमेश झा ने बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उनके पास कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं है ये भी कहा। फिर इस संबंध में हमारे सीनियर से बात कर लीजिए, ये बात कहते हुए उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। इस पर अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता के द्वारा उनसे कहा गया कि यह कार्य स्वयं सहायक महाप्रबंधक का है और वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात करें या किसी अन्य कार्य के स्टाफ को लाडली बहना के कार्य में लगाएं, इससे नगर निगम ग्वालियर का कोई लेना देना नहीं। नगर निगम ग्वालियर का कार्य शहर की साफ सफाई व्यवस्था करना है। इसके पश्चात नगर निगम ग्वालियर के स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म पमनानी, डिपो प्रभारी विष्णु WHO विक्रम के नेतृत्व में सफाई स्टाफ के द्वारा ब्रांच में जेटिंग मशीन, फॉगिंग मशीन, सैनिटाइजर मशीन बुलवाकर सफाई का विशेष अभियान चलाकर गांधीगिरी कर दी और ये मैसेज बैंक स्टाफ को दिया कि उनसे आग्रह किया है कि जिस प्रकार से तत्परता से नगर निगम ग्वालियर स्वच्छता में काम कर रही है, वैसे ही आप भी लाडली बहनाओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करें। नगर निगम के इस कार्य से अभिभूत होकर ब्रांच मैनेजर ने लाडली बहनों की सुविधा के लिए 2 अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया और लाडली बहना के आधार लिंक एंड DBT इनबिल्ट का कार्य सुगमता पूर्वक सुविधाजनक तरीके से जल्द करने की बात कही। इसके पश्चात नगर निगम आयुक्त और वार्ड पार्षद अनिल सांखला बैंक सहायक महाप्रबंधक रमेश झा का धन्यवाद करके अपने पूरे स्टाफ के साथ निकल गए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।